गुड मॉर्निंग बच्चों, अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दैट इज द एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक थिंग बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक जनरल फॉर्म मैंने बताया था, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किसको बोलते हैं? ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स टू ऑब्टेन द सक्सेसर एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीडिसर्स। यानी ऐसे सीक्वेंस जिसका हम सक्सेसर जब फाइंड करें, सक्सेसर यानी अगला वाला जब नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके प्रीडिसर में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रीडिसर क्या है, ए है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए, डी आएगा, ए प्लस डी आएगा, नेक्स्ट फिर ऐड करेंगे डी, सो ए प्लस डी प्लस डी ए प्लस टू डी, फिर डी ऐड करेंगे, ए प्लस टू डी प्लस डी दैट इज ए प्लस थ्री डी, नेक्स्ट अगेन द डी, सो ए प्लस थ्री डी प्लस डी दैट इज ए प्लस फोर डी। यानी सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर हमको क्या करना है, ऐड करना है। और इसको और एक तरीके से कैसे कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड इट्स प्रीडिसर्स, ओके, इट्स इक्वल। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस आप निकाल लो, अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा, सो दिस इज द ए पी, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, इन द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ ए नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया ना, ये क्वेश्चंस के अनुसार क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये हमको लिखना है। द फर्स्ट वन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर पर, वेन द फेयर इज 15, यानी वन किलोमीटर पर कितना है फेयर, 15 रुपीज है, ओके, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स एंड द 8 फॉर ईच किलोमीटर्स। इसके बाद क्या हो रहा, अगर 2 किलोमीटर जा रहे तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 हो जाएगा प्लस 8 रुपीज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट 3 किलोमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, अब ये तो ऐसे ही आएगा 23, फिर 1 किलोमीटर इसके अनुसार एक ज्यादा हो गया, देन प्लस 8 इज इक्वल टू 31। इस प्रकार से तो अब ये ऐसा हमको क्या बन जाता, सीक्वेंस बन जाता, एपी बन जाता। अब इसके बाद वी वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म्स, इफ इट इज इक्वल देन दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ ये लिखना है हमको, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, सो इसके लिए लेंगे हम ए वन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपीज। सो टैक्सी फेयर फॉर द 2 किलोमीटर, इसके लिए आएगा ए टू, फर्स्ट 15 हो गया प्लस नेक्स्ट किलोमीटर के बाद जो जो किलोमीटर बढ़ते जा रहे, 8 रुपीज ऐड हो रहे, फर्स्ट के लिए तो 15 है प्लस 8, सो इज इक्वल टू 23 रुपीज लिखेंगे, ओके, 23 रुपीज। नाउ टैक्सी फेयर फॉर द 3 किलोमीटर, ए थ्री इज इक्वल टू, ये आ गया हमको 2 किलोमीटर के लिए इतना आ गया, सो 2 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर है यहाँ पे, सो और एक 8 ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 31 रुपीज। नाउ द टैक्सी फेयर फॉर द 4 किलोमीटर्स, ए फोर इज इक्वल टू 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39 रुपीज। सो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अब इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। इफ द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मैं बताया था डी 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 आ रहा ना, ऐसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक नंबर आ रहा सभी के लिए, सो देन इट इज एन ए पी। नाउ
कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते। सो डी इज इक्वल टू फर्स्ट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू इज 23 माइनस ए वन इज 15, दैट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट और एक कॉमन डिफरेंस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू कितना आएगा, ए थ्री इज द 31 माइनस 23, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। नेक्स्ट अगेन ऐसे दो तीन ले सकते हैं आप, 3-4 लिए तो बस खत्म है। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर इज 39 माइनस, ए फोर इज 39 माइनस ए थ्री इज 31, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। सेम आ रहा ना 8 8 8, अभी लेके एक दो चेक कर सकते हैं, याद एक 3 ले लिए बस खत्म है। सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स यहां पे लिखता हूं, लिखेंगे आर इक्वल। सो हेंस दिस इज एन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये इक्वल आया तभी होते अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड सब सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर एयर है। When a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, यानी एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में एट ए टाइम क्या कर रहे, 1/4 एयर जो है रिमूव कर रहे, बच रहा कितना, इतना बच रहा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जितना भी बच रहा ना फिर उसमें से 1/4 माइनस कर रहे, फिर इसके बाद फिर 1/4 माइनस कर रहे, 1/4 पाओ बोलते ना 1/4 माइनस करे, तो एक हमको सीक्वेंस मिलता। फिर इसके बाद क्या करना है, हम इसको कॉमन डिफरेंस पता करना है, इफ द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देन इट इज एन एपी। सो नाउ लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर दैट इज द ए वन इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड वन अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल दैट इज द ए टू मतलब पूरे सिलेंडर के लिए एक्स हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट ये निकाल रहे तब कितना आएगा, तो फर्स्ट फुल सिलेंडर माइनस 1/4 ऑफ द एयर, जितना भी एयर है उसका पाव 1/4, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम आएगा 4 × x, 4x − x / 4 इज इक्वल टू 3/4x, दिस इज द ए टू, 4x − x इज 3/4x। ओके नेक्स्ट वन amount of air left after second removal that is the A3। तो हमको क्या बचा, फर्स्ट हमको ए टू तक कितना हो गया, सो 3/4x हो गया, माइनस फिर इसका ही 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, जैसे हमने फर्स्ट किया था फर्स्ट सिलेंडर माइनस इसका ही 1/4 माइनस किए, ऐसे ही फर्स्ट ये लेंगे हम, सेकंड वाला ये लेंगे, फिर इसका 1/4 क्या होगा, 1/4
इन टू 3 डिवाइडेड बाय 4 एक्स. ओके नाउ 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 इज 3, 4 4 इज 16 एक्स. इसका एलसीएम लेंगे, 16 इज द एलसीएम. ओके सो 4 1 इज 4, 4 इज 16 इन टू 4 हो जाएगा, 16 1 इज 16 1 इज इन टू 1 हो जाएगा. सो 3 4 इज 12x माइनस 3 1 इज 3x इज इक्वल टू 12x माइनस 3x इज 9 डिवाइडेड बाय 16 एक्स फॉर द ए थ्री. ए वन हो गया, ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, और एक ए फोर करेंगे. अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड हो गया ना, थर्ड रिमूवल, दैट इज द ए फोर. ए फोर के लिए क्या आएगा, फर्स्ट हमने यहाँ ए थ्री में ये यूज किया था, अब हमको ये यूज करना है. 9 डिवाइडेड बाय 16 एक्स माइनस इसका ही वन फोर्थ इन टू 9 डिवाइडेड बाय 16 एक्स. नाउ ये क्या हो जाएगा, हम इसके आगे लिखता हूं, 16 फोर द 64, 9 डिवाइडेड बाय 16 एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स. अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 64, एलसीएम होगा यहाँ पे 64. अब टेबल देखेंगे, 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, तो यहाँ पे आएगा इंटू 4, 64 वन ज़ा 64 वन ज़ा इंटू 1. सो 9 फोर ज़ा 36 एक्स. ओके 36 एक्स हो गया, माइनस 9 वन ज़ा 9 एक्स. सो 36 माइनस 9 27, ये आएगा 27 डिवाइडेड बाय 64 एक्स. अंडरस्टूड, मैं यहाँ सेपरेट लिख लेता हूँ. फर्स्ट हमको क्या आया, ए वन इज द एक्स, ए टू इज 3 डिवाइडेड बाय 4 एक्स, ए थ्री इज 9 डिवाइडेड बाय 16 एक्स, देन ए फोर इज 27 डिवाइडेड बाय 64 एक्स. ओके अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करेंगे. नाउ द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 3 बाय 4 एक्स माइनस एक्स. इसको एलसीएम लेंगे, सो 3x 4 इंटू एक्स 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4. नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए वन, सो ए थ्री इज 9 डिवाइडेड ए थ्री माइनस ए टू 9 डिवाइडेड बाय 16x माइनस ए टू इज 3 डिवाइडेड बाय 4x. अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 16. सो 16 वन ज़ा 16, ये तो 9 इंटू एक्स 9x हो जाता, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है. सो 4 वन ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाता, 3 4 ज़ा 12x. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस 3x डिवाइडेड बाय 16. नाउ नेक्स्ट वन इज ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, ए फोर कितना है, 27 डिवाइडेड बाय 64x माइनस ए थ्री इज 9 डिवाइडेड बाय 16x इज इक्वल टू द एलसीएम, एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर, एलसीएम कितना हो जाता, 64 हो जाता. ओके हमको इजी या तो एलसीएम मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या नहीं तो हमको बड़ा वाला नंबर देखना है, बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर्स के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो यही नंबर क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता, 16 फोर ज़ा 64. अंडरस्टूड, सो 64 वन ज़ा 64, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27x एज इट इज़ हो जाएगा. ओके सो अब ये इसका टेबल पढ़ना है, 16 वन ज़ा 16 फोर ज़ा, तो यहाँ पे 4 इंटू हो जाएगा, 16 फोर ज़ा 64, तो यहाँ पे 4 इंटू होगा, माइनस
36x, 9 4 36। अब माइनस करेंगे कितना हो रहा, यहाँ पे माइनस किए तो कितना 36 माइनस 27 मीन्स 9, माइनस 9x डिवाइडेड बाय 64। अब देखो टर्म कैसे आ रहे, इसका डिफरेंस आ रहा माइनस एक्स बाई फोर, माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, माइनस 9 डिवाइडेड, माइनस 9x डिवाइडेड बाय 64। तो ये क्या आ रहा, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर सेम आते ये और ये सेम आते तो एपी होता, डिफरेंट आ रहे ना, सो दिस इज नॉट द एपी। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सब क्वेश्चंस, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी डिगिंग यानी खोदना। तो यहां पे डिगिंग ए वेल, वेल वेल मीन्स कुआं, कुआं बॉली बोलते हैं ना उसको, जो है खोद रहे, तो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 मीटर के लिए 150 रुपीज है, ओके फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड द राइजेस बाय द 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद जितने भी एक एक मीटर बढ़ते जाएंगे ना 50 रुपीज ज्यादा होते जाएंगे। सो ये एपी है या नहीं है हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, दैट इज द A1 इज इक्वल टू 150 रुपीज, रुपीज में डालेंगे 150 रुपीज, ओके। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप कितना हो जाएगा, दिस इज द A2, 150 प्लस 50, सो दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज, 200 रुपीज। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर डीप फॉर द A3, ये आएगा फर्स्ट 200 प्लस 50, 50-50 बढ़ते जाता, दैट इज इक्वल टू 250 रुपीज। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर डीप A4 इज इक्वल टू 250 प्लस 50, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 300। अब कॉमन डिफरेंस देखना है, सो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू द 50। नेक्स्ट A3 माइनस A2 मीन्स 250 माइनस 200 दैट इज आल्सो इक्वल टू द 50। नेक्स्ट A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250, अगेन इट इज आल्सो इक्वल टू द 50। अब सेम आ रहा है ना, 50 50 50 सेम आ रहा, सो देयरफॉर एक सेंटेंस लिखना है बस खत्म, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, सो देयरफॉर इट इज एन ए पी, अगर सेम आ रहे तो ए पी, नहीं तो ए पी नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सब क्वेश्चन है यहां पे, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज
डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम, यानी 10,000 डिपॉजिट किए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो हर साल कितना इसको इंटरेस्ट ऐड हो रहा, ये हमको पता करना है, दैट इज द अमाउंट इन एवरी ईयर। सो फर्स्ट वन ईयर में कितना होता, सेकंड ईयर में कितना होता, थर्ड ईयर में कितना होता, ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसका सीक्वेंस का डिफरेंस देखना है। इफ द डिफरेंस आर इक्वल देन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। सो फर्स्ट फर्स्ट हमको क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन में दिया गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर इज इक्वल टू 8% पर एनम। नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज द पी इज इक्वल टू 10,000 रुपीज में 10,000। ओके, एंड यू नो दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला में अमाउंट के लिए एक फार्मूला है। सो यहां पे मैं लिखता हूं एक बार, वी नो दैट नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़े, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन टू 1 + r / 100 टू द पावर ऑफ n। n इज वॉट, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स आर भी है पी भी है फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमारे पास हो गया, दिस प्रिंसिपल इज द, यहां पे और एक बार लिखेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए आएगा हमको a1 इज द 10,000। नेक्स्ट वन इज सेकंड, a2 के लिए अमाउंट आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद a2 इज इक्वल टू, a2 आएगा। सो दैट इज हमको फार्मूला यूज करना है, हमको कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला यूज करना है। प्रिंसिपल इज 10,000, यहां पे लिखे हम 10,000 1 + r = 8/100, एक साल में है ना, सो n = 1। नाउ दैट इज इक्वल टू 10,000 आना है यहां पे, 10,000 बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल, 10,000 अमाउंट प्लस 100 प्लस 8 108/100। नाउ 2020 कैंसल, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो 10800। ओके, फॉर द फर्स्ट ईयर, एक साल के लिए। सेकंड वन, अमाउंट आफ्टर टू ईयर a3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब जो है यहां पे p के लिए हमने प्रिंसिपल के लिए 10,000 लिया था, अब यहां पे प्रिंसिपल के लिए हम क्या लेंगे, ये लेंगे। सो दैट इज 10,800 1 + 8/100, ये तो सेम रहेगा बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8/100। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दो साल के लिए है ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 10800 देन 100 प्लस 8 दैट इज 108/100। ओके, देन स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइनली आप कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू कितना आता, 12597 रुपीस, ये आएगा रुपीस में। आप रफली जो है इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है एंड 100 का स्क्वायर किए तो 10,000 हो जाता, फिर मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करना, सो वी गेट हियर 12,597। नेक्स्ट वन, और एक लेंगे a4, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, सो a4 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लेना है, ये लेना है हमको 12597 1 + 8/100 टू द पावर ऑफ, कितना आएगा पावर, n है ना, ये n 3 आएगा क्योंकि 3 साल के बाद, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 12597
100 into 1, 100 plus 8, 108 divided by 2 the power of 3. अब इसको भी आप roughly calculate करके देख सकते हैं, इसका value कितना आ रहा, 15869, that is in a rupees. Okay, so this is the A1, A1 क्या है, principal है, A1, A2, A3 and A4, मैं यहाँ पे side में लिखता हूँ, क्योंकि हमको अभी difference find करना है, A1 is 10,000 and A2 is 10,800 and A3 is 12,597, A4 is 15,869. सो ये आ गया, अब इसका डिफरेंस पता करना है, अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा सो इट इज एन AB. नाउ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,800 माइनस 10,000, कितना हो जाता 800 हो जाता. नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 12,597 माइनस 10,800, कितना आ रहा है, या रफ में यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, 12597 10800 माइनस करेंगे 7 9 10 7 1, बस इतना ही रहे, 1797. नेक्स्ट A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 15869 माइनस 12597 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 15869 12597, ये हो जाएगा 2, यहाँ बारो लेंगे 16 मीन्स दैट इज 7, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 5 मीन्स 2, दैट इज 3, सो ये आएगा 3272. सो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा नहीं आ रहा, ओके, सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, अगर सेम आए तो AP होता, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. 800 आ रहा, 1797 आ रहा, 3272 आ रहा, तीनों डिफरेंट आ रहे, तो ये क्या है, AP नहीं है. ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पे दो क्वेश्चन मैं लिखा, फर्स्ट एट द सेकंड. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, राइट द फोर टर्म्स ऑफ द AP. AP के फोर टर्म्स हमको लिखना है, AP इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलोस, तो यहां पे A और D दिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जनरल फॉर्म पता रहना है, किसका, AP का जनरल फॉर्म इज, फर्स्ट इज द a प्लस डी, a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d सो ऑन, ऐसे आएगा, दिस इज द जनरल फॉर्म. सो फर्स्ट a क्या हो जाता, a1 हो जाता, एंड दिस इज द a2, दिस इज द a3 एंड दिस इज द a4. a प्लस डी इज द a2, a प्लस 2d इज द a3, a प्लस 3d इज द a4. सो इस प्रकार से करना है हमको. सो गिवन A is the 10 and D is the 10. So first term that is the A1 is the 10. A1 is A hota. Second term is A2 that is equal to A plus D. A2 kya hai? A plus D hai. So isko value substitute karenge hum. A कितना है 10 एंड दिस इज ऑल्सो ए 10, सो दैट इज इक्वल टू 20. A2 इज 20. नाउ थर्ड टर्म क्या होगा, A3 दैट इज A प्लस 2D, वहां पे A प्लस 2D. सो A इज द 10 2 एज इट इज इन टू D इज ऑल्सो 10,
So 10 plus 2 into 10 is 20, that is equal to 30. This is the A3, this is the A2. Now fourth term A4 के लिए क्या है, A plus 3D. इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, या 3 आएगा ना तो यहाँ पे 2D आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे 1D आएगा, 1 आएगा तो D नहीं आएगा. ओके, सो A इज द 10 प्लस 3 इंटू 10, सो 10 प्लस 3 इंटू 10 इज 30, दैट इज इक्वल टू द 40 A4. सो यहाँ पे आ गया A1 इज द 10, A2 इज द 20, A3 इज द 30 एंड A4 इज द 40. दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ द AP. नाउ इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हमको वो लिखना है. गिवन A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0. ओके, ये दिया क्वेश्चन में. फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ऐसे भी लिख सकते AP, A1 इज इक्वल टू -2. सेकेंड टर्म इज A2, दैट इज A प्लस D. तो A कितना है हमारा, A इज -2 प्लस D इज 0, तो कितना हो जाता, -2 ही आता. देन थर्ड टर्म दैट इज A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. नाउ A इज -2 एंड 2 इंटू D इज 0, होगा ना. सो -2 इंटू 0 0, दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू -2. ये होगा A3. सिमिलरली A4, फोर्थ टर्म क्या है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D. सो A इज, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही है, A इज द -2 प्लस 3 इंटू D इज 0, सो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 0, 3 इंटू 0 0, सो फाइनली दिस इज ऑल्सो ए -2. तो यहां पे क्या आ रहा, सबका वैल्यू, सारे टर्म्स का वैल्यू क्या आ रहा, -2 आ रहा, सारे सेम ही वैल्यू है. इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमको जनरल फॉर्म हमको पता रहना है, A, A+D, A+2D, A+3D, सो ऑन लाइक दिस. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द फोर्थ, सेम वही हमने अभी जो फाइंड किया ना, ऐसे ही फाइंड करना है सॉल्यूशन. गिवन A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द 4 टर्म्स ऑफ द AP. तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 4, ये वाला A जो है A1 ही होता. सेकेंड टर्म इज A2 इज इक्वल टू A+D. सो A इज हियर 4 प्लस एंड -3, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू -3, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1. दिस इज द A2. नाउ ये ब्रैकेट को ओपन करते, प्लस इंटू, ये तो प्लस होगा और डी की वैल्यू के अंदर एक माइनस है, -3. सो प्लस इंटू माइनस, 4 -3 इज 1. नाउ द थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A+2D. नाउ यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज ए इज 4 प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस इंटू -. नाउ सब्ट्रैक्ट, सो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6 मीन्स -2. नेक्स्ट वन इज फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A+3D. सो A इज हाउ मच हियर, A इज द 4 प्लस 3 इंटू -3, बिकॉज D वैल्यू इज -3. सो 4 प्लस इंटू -3 इज 9. तो ये कितना होगा, 4 माइनस 9 मीन्स -5. दिस इज द A4. ये होगा A4.
अब फोर्थ वाला क्वेश्चंस यहाँ पे रफ करके यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फोर, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, गिवन वैल्यू डाल के डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व किए तो मार्क्स कट होते हैं। ओके, जो क्वेश्चन आ रहा है फिर गिवन वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म इज द ए, दैट इज द ए वन इज इक्वल टू माइनस वन। सेकेंड टर्म दैट इज ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी। सो ए टू इज इक्वल टू, ए इज माइनस वन प्लस डी इज वन बाई टू। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वन होता, सो एलसीएम इज टू, टू वन जा टू, तो क्या हो जाएगा माइनस टू, एंड ये टू टू कैंसिल हो जाता, वन का वन एज इट इज होता। सो ए टू इज इक्वल टू ये इधर इंटू होता, ये इधर इंटू होता। ओके, टू वन जा टू, माइनस है माइनस टू, वन वन जा वन। अब माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, दिस इज द ए टू। नाउ थर्ड टर्म इज हियर ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। ओके, सो ए इज हियर माइनस वन प्लस टू इन टू डी इज, डी यहां पे है वन बाई टू, सो टू वन जा टू वन जा कैंसल, क्या हो जाएगा माइनस वन, ये वन रहा प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसल जीरो, सो ए थ्री इज द जीरो। लाइक दिस वे फोर्थ टर्म यहां नीचे लिखूंगा, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो इसका वैल्यू क्या होगा, ए इज द माइनस वन प्लस थ्री इन टू डी इज वन बाय टू, सो माइनस वन प्लस थ्री वन जा थ्री, न्यूमरेटर में इंटू होता थ्री डिवाइडेड बाई टू। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम, इट्स डिनोमिनेटर इज नथिंग मीन्स इट्स डिनोमिनेटर इज वन, तो क्या हो जाएगा टू इधर इंटू होगा वन इधर इंटू होगा, टू वन जा टू, सो यहाँ माइनस है, माइनस टू प्लस वन थ्री जा थ्री डिवाइडेड बाई टू, सो कितना आएगा थ्री माइनस टू मीन्स वन डिवाइडेड बाई टू, सो दिस इज द ए फोर। आ गए सारे, सो दिस इज द ए वन, ए टू एंड ए थ्री एंड ए फोर, दीज आर द फोर्थ टर्म्स ऑफ द एपी। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके यहां पे वैल्यू डेसिमल में है, सो गिवन ए इज इक्वल टू माइनस 1.25 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 0.25। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ऐसे भी लिख सकते, ए वन इज इक्वल टू माइनस 1.25। सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी। ओके, सो ए टू इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास माइनस 1.25 प्लस डी इज माइनस 0.25, सो माइनस 1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.25। नाउ बोथ आर द नेगेटिव्स, सो हम ऐड कर सकते, कितना आ जाएगा माइनस 1.5 प्लस 5 0, 1 कैरी, सो 2 टू 4 प्लस 1 इज 5, 1.5, दिस इज द ए टू। नाउ थर्ड टर्म इज ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, सो ए इज वी नो ए इज माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी इज माइनस 0.25। नाउ माइनस 1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.50। अब दोनों भी जो है डेसिमल नंबर्स नेगेटिव है तो हम ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है, और साइन कौन सा लेना है, साइन नेगेटिव लेना है। कितना आएगा 0 प्लस 5 0, 5 प्लस 2 इज 7 पॉइंट, 0 प्लस 1 इज 1,
1.75, दिस इज द A3। अभी एक है A4, फोर्थ टर्म, सो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A इज माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, माइनस 0.25, नाउ मल्टीप्लाई माइनस 1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू दिस नंबर, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7, पॉइंट 0 इंटू 3 इंटू 0 0, ओके 0, अगेन वी शुड ऐड 5 प्लस 5 इज 0, 1 कैरी, 7 प्लस 2 इज 9 प्लस 1 इज 10, अगेन 1 कैरी, ओके दिस वन एंड दिस वन इज 2, सो 2.00, सो दिस इज द A4, ये आएगा A4, फोर्थ टर्म्स, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, इस प्रकार से हमको फाइंड करना है। ना तो क्वेश्चन नंबर मेन थर्ड क्वेश्चन, उसके सब क्वेश्चन हैं यहाँ पे दो लिखा मैं, बहुत इजी है ये। फॉर द फॉलोइंग एपीस, कुछ एपी दिया इसमें, ओके सीक्वेंस दिया, राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सो गिवन 3 1 माइनस 1, गिवन एपी डाल सकते हैं हम, एपी, एपी इज हियर 3, -1, -1, -3, सो ऑन, सो ए इज हियर फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स इज फर्स्ट टर्म ए इज द 3, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम डी यूज करते, a2 माइनस a1, तो क्या आएगा, a2 क्या है हमारे पास, 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -2, सो डी कितना आएगा -2, ए आएगा फर्स्ट टर्म्स, दैट इज द 3। सेम ऐसे ही यहां पे सॉल्व करना है, सो गिवन ए पी -5, -1, 3, 7, सो ऑन, ओके द फर्स्ट टर्म इज, उसका पहला वाला टर्म क्या होता, ए होता, दैट इज द फर्स्ट टर्म्स। नाउ फर्स्ट टर्म इज ए, दैट इज द -5, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज द डी, डी क्या आएगा, a2 - a1, कौन सा भी ले सकते, a4 - a3 और a3 - a2 और a2 - a1, कुछ भी ले सकते, सो दैट इज a2 - a1, मैं a2 - a1 ले रहा हूं, सो दैट इज इक्वल टू, a2 कितना है -1, माइनस ये वाला माइनस, फिर a1 ये और एक माइनस है तो -5, a1 का वैल्यू -5, फिर ये एक माइनस, नाउ -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ओके -1 + 5 मीन्स 4, दिस इज द डी, ये आएगा डी एंड दिस इज द ए, ऐसे आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है यहाँ पे, सेम मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, अभी जब तक जितने सॉल्व किया ना सेम ऐसे ही, फर्स्ट गिवन वैल्यू, गिवन 1/3, गिवन एपी इज हियर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सो ऑन, 9/3 इसे रिड्यूस कर सकते हैं, पर यहाँ पे सारे जो है फ्रैक्शन है, इसीलिए जो है इसको ऐसे ही रखे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू फाइंड द फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, दैट इज ए इज इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस इज हियर डी इज इक्वल टू a2 - a1, क्या हो जाएगा, a2 इज 5/3 - 1/3, ओके सो दैट इज 3, 3 डिनोमीटर सेम है तो 3 लेंगे,
5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेम है ना तो दोनों का एक बनाना है, न्यूमरेटर माइनस करना है। 5 माइनस 1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3, सो ए भी हो गया एंड डी भी हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हमको फोर्थ वन करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। गिवन एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, सॉरी 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, सो ऑन। सो द फर्स्ट टर्म इज हियर ए इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम डी यूज करते, सो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, सो दैट इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। सो ए टू क्या है, हमारा सेकंड वाला टर्म है, सो 1.7 माइनस ये वाला 0.6 दैट इज इक्वल टू, 7 में से 6 माइनस किए तो क्या आएगा 1.1 माइनस 0.1, सो दिस इज द डी। कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज 1.5 एंड द फर्स्ट टर्म्स दैट इज द ए 0.6। सो इस प्रकार से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सब क्वेश्चंस हैं, हम वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं पहले आप फर्स्ट सब्सक्राइब करिए फिर देखिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीस, मतलब कुछ एपीस है क्वेश्चन में, इसमें से कौन से एपी है, दे फॉर्म्ड एन एपी, कौन से एपी बनते, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस के लिए डी से डिनोट करते डी एंड राइट द थ्री मोर टर्म्स, 1, 2, 3, 4 टर्म्स थे, फिर नेक्स्ट और 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, कब, वेन इट बिकम्स एन एपी, अगर ये एपी हो रहा तो हम फाइंड आउट कर सकते। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, तो पहले और एक बार लिखेंगे इसको 2, 4, 8, 16 सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमारा होता 2, कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन डी इज इक्वल टू 2। अब ए पी होता है या नहीं, सो हियर ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, देन ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब देखो यहां पे टर्म सेम नहीं आ रहे, सो डिफरेंस देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, सेम नहीं है, इसके अगला वाला टर्म्स, फिर इसके अगला वाला टर्म, फिर इसके अगला वाला टर्म्स, तो इनका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, अगर सेम आ रहे तो एपी होता, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं होता। इसी प्रकार से सेकेंड वन, सेकेंड वन यहां पे 2.5/2.3.7 डिवाइडेड बाय 2, सो सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, फर्स्ट 2.5/2.3.7/2, ए इज द फर्स्ट टर्म इज 2, डी इज हियर ए टू माइनस ए वन दैट इज 5/2 - 2, 5/2 - 2, सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या होगा 2, 2 जो 4, 5 - 4/2 = 1/2, डी कितना आया 1/2 आया, इन दोनों का डिफरेंस 1/2 आ गया। अब सारों का देखेंगे हम, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ डायरेक्ट आ गया ना, ए टू माइनस ए वन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, देन ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू 3 - 5/2, 3 - 5/2, अब एलसीएम लेंगे
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू, फाइव माइन सिक्स माइनस फाइव मीन्स वन डिवाइडेड बाई टू, ये भी वन बाई टू वन बाई टू है। नेक्स्ट और एक ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, ए फोर ये है, सो सेवन डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री, सेवन बाई टू माइनस थ्री, अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एलसीएम लेना है ना, सो टू थ्री जा सिक्स हो जाता, ये सेम ऐसे ही रहेगा, सेवन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू। ओके सो देयरफोर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, देयरफोर इट इज एन एपी, तो ये एपी बनता। अब एपी में फोर टर्म्स है, वन टू थ्री फोर है, और नेक्स्ट फोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे रफ करके मैं बताऊंगा। नाउ थ्री मोर टर्म्स, ओके थ्री मोर टर्म्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वन ए टू ए थ्री ए फोर हो गया, अब हमको क्या करना है, ए फाइव करना है, ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी, ए फोर प्लस डी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, ऐसे भी कर सकते, पर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता, हमको ए फोर ऑलरेडी है यहाँ पे, दिस इज द ए फोर, ए फोर प्लस डी, डी हमारा क्या है वन बाई टू है, ऐसे कर सकते हम। सो ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर, कितना है हमारे पास, ए फोर इज सेवन बाई टू प्लस डी इज वन बाई टू, इसको ऐड करेंगे, सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एट डिवाइडेड बाई टू, टू वन जा टू फोर जा, सो दिस इज द फोर, कितना है ए फाइव, ए सिक्स इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी, ए फोर इज ए फोर जो है सॉरी ए फाइव, सिक्स रहे तो यहाँ पे फाइव आएगा, सो ए फाइव कितना है यहाँ पे फोर है, फोर प्लस डी इज वन बाई टू, तो ये कितना होगा यहाँ पे एलसीएम होगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू फोर इज एट प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज इक्वल टू नाइन डिवाइडेड बाई टू ए सिक्स। नाउ द ए सेवन, ए सेवन इज ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स कितना है नाइन बाई टू है, सो दैट इज नाइन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू 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 डिनोमिनेटर सेम है, नाइन प्लस वन होगा, दैट इज इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाई टू, टू वन जा टू फाइव जा, सो ए सेवन इज इक्वल टू फाइव, ए सेवन ए सिक्स एंड ए फाइव, ए फाइव कितना आ रहा फोर आ रहा, दिस इज द ए फाइव, थ्री मोर टर्म्स हम फाइंड आउट किए। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो इन दिस वन ए इज दिस वन डिफरेंस, अब डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट और एक बार लिखेंगे हम, माइनस वन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस सेवन पॉइंट टू सो ऑन, सो हियर डिफरेंस बिटवीन ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन माइनस थ्री पॉइंट टू ये माइनस और एक ये माइनस माइनस वन पॉइंट टू दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस इंटू माइनस प्लस वन पॉइंट टू इज इक्वल टू टू माइनस टू इज जीरो पॉइंट थ्री माइनस वन इज टू तो ये माइनस में आएगा माइनस टू पॉइंट जीरो एक डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू थ्री माइनस टू ए थ्री माइनस ए टू दैट इज माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस फिर ये एक माइनस डायरेक्ट लिखेंगे प्लस थ्री पॉइंट टू इज इक्वल टू अब दोनों का साइन डिफरेंट है माइनस करते सो टू माइनस टू इज जीरो एंड फाइव माइनस थ्री इज टू फिर ये माइनस का माइनस साइन। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए फोर ये है माइनस सेवन पॉइंट टू माइनस कौन सा वाला माइनस ये वाला एक माइनस फिर ये वाला एक माइनस प्लस हो जाता फाइव पॉइंट टू इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट जीरो तो डिफरेंस सेम आ रहा देयरफोर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम सो देयरफोर इट इज एन
इट इज एन एपी, ये एपी है। अब नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वाला 1, 2, 3, 4 टर्म्स है यहाँ पे। नेक्स्ट हमको ए फाइव पता करना है, ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी। सो ए फोर हमारा यहाँ पे है, ए फोर ये है माइनस 7.2 प्लस डी। डी हमारा कितना आता, कॉमन डिफरेंस इज हियर, कॉमन डिफरेंस इज हियर -2.0 तो हम यहां लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -2.0। सो ये वाला माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा, डी के अंदर एक माइनस है, दिस इज द माइनस, और ये क्या है प्लस है, प्लस इनटू माइनस माइनस। तो और एक स्टेप लेंगे, माइनस 2.0 माइनस 7.2 प्लस इनटू माइनस माइनस 2.0, अब ऐड करके कितना हो जाएगा माइनस 9.2, दिस इज द ए फाइव। नेक्स्ट ए सिक्स, ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, ये कितना होता ए फाइव, ए फाइव तो अभी आया यहां पे, ए फाइव, ए फाइव इज माइनस 9.2 प्लस इनटू माइनस माइनस 2.0, डी इज द 2.0, दैट इज इक्वल टू माइनस 11.2, दैट इज द ए सिक्स। ये दोनों ऐड किए तो 11.2 होता। नेक्स्ट वन इज ए सेवन, ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स प्लस प्लस डी। तो ए सिक्स कितना है हमारा, ए सिक्स तो ये है ना माइनस 11.2 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पे माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस कौन सा, ये प्लस, और डी के अंदर एक माइनस है यहां पे माइनस, ये दोनों मिलके क्या होते हैं माइनस बनते, दैट इज द 2.0, दैट इज माइनस 13.2, दिस इज द ए सेवन। सो दीज आर द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ए फाइव, ए सिक्स एंड ए सेवन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, माइनस 10, माइनस 6, माइनस 2 एंड 2। नाउ द कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, दैट इज ए टू क्या है यहां पे, ए टू ये है माइनस 6, ये वाला माइनस, फिर ए वन के अंदर एक माइनस है माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 4, 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू, ए थ्री ये है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट और एक है ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस, और ये एक माइनस, प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो 4, 4, 4 आ रहा, कॉमन डिफरेंस इज 4। सो कॉमन डिफरेंस d इज 4। सो द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या होगा, एपी हो जाएगा। सो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर हो गया। नेक्स्ट फोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट फोर टर्म्स, नेक्स्ट फोर टर्म्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए फाइव, ए फाइव इज द ए फोर प्लस डी। ए फोर क्या है हमारा, ए फोर, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर क्या है, टू है, टू, एंड डी कितना है, डी है हमारा फोर, डी इज फोर। सो प्लस फोर इज इक्वल टू 6, ये आएगा ए फाइव। नेक्स्ट ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, ए फाइव इज, ए फाइव यही फाइंड हुआ, 6 प्लस डी इज 4, दैट इज इक्वल टू 10, सो दिस इज द ए सिक्स। नेक्स्ट ए सेवन, ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी, सो ए सिक्स कितना है हमारा, ए सिक्स इज हियर 10, ए सिक्स इज 10, सो दिस इज द 10 प्लस डी इज 4, दैट इज इक्वल टू द 14, सो दिस इज द ए
A7। सो इस प्रकार से हमको टर्म्स आएंगे A5, A6 एंड A7। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो मैं और एक बार लिखूंगा, 3 दिस इज द A1, 3 प्लस रूट 2 दिस इज द A2, 3 प्लस 2 रूट 2 दिस इज द A3, 3 प्लस 3 रूट 2 दिस इज द A4। सो अब इसमें क्या करना है हमको, कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1। सो ये A2 होगा, ये A1 होगा। सो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, सो प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, दिस इज द रूट 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3, ये A2। सो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। सो 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू 3 माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2। ओके, सो नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे एक 1 होता। सो 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, सो इट बिकम्स द ओनली 1 रूट 2, ये हो जाएगा। एंड दिस इज द A3 माइनस A2। नेक्स्ट वन इज A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 रूट 2। सो दिस इज माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, दैट इज द रूट 2। 3 में से 2 माइनस हो जाता, बचता क्या यहाँ पे 1 बचता एंड रूट 2 एज इट इज। सो दिस इज द डिफरेंस A2 माइनस A3। सो देयरफॉर तो यहाँ पे D कितना आएगा, D आएगा रूट 2। अब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, इसका डिफरेंस रूट 2 आ रहा, रूट 2 आ रहा, यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। सो देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP है। अब हमको क्या करना है, A1, A2, A3, A4 हो गया, नेक्स्ट A5 हमको फाइंड आउट करना है। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है हमारा, A4 1 2 3 4, A4 ये है। सो दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D इज रूट 2, कितना होगा ये 3 एज इट इज, प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, इसके कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 प्लस 3 क्या हो जाता, 4 हो जाता, रूट 2 का रूट 2 होता, दिस इज द A5। नेक्स्ट A6, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, A5 अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया, दिस इज द A5, सो दैट इज द 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D हमारा कितना है यहाँ पे, रूट 2 है, सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2 A6। ओके, नेक्स्ट A7 यहाँ पे करेंगे साइड में, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। अब A6 क्या है यहाँ पे, A6 इज दिस वन, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, दिस इज द 3 प्लस 6 रूट 2, दिस इज A7। सो दीज आर द आंसर्स, A5, A6 एंड A7। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, सो सिक्स्थ, 0.2 0.22 0.222 0.2222, सो ऑन। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, A2, फर्स्ट डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2, ये है 0.22 माइनस 0.2। सो इसको कितना आता यहाँ पे, फर्स्ट हम लिखेंगे 0.22 एंड 0.2 बोल दो, और एक यहाँ जीरो लगा के लाइक डेसिमल बनाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 2 इज 0.0, सो आंसर कितना आएगा 0.02। नेक्स्ट
a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 ये है 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.222 0.22। अब लाइक डेसिमल बनाना है, जीरो डाल देंगे, माइनस किए तो 200 एंड 0, सो 0.002। नेक्स्ट वन इज a4 माइनस a3। a4 क्या है, ये है 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0. तो ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, 2 आएगा माइनस किए तो ये 0, 0, 0 एंड 0, सो दिस इज द 0, 0, 0 एंड 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0.02, 0.002, 0.0002, सो सेम नहीं आ रहे, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर सेम आ रहे तब ये एपी बनता। क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसे ही करना है। अब गिवन वैल्यू मैं और एक बार लिख रहा हूं, इसलिए कि आप एग्जाम में लिखते समय भी जो है एक बार आपको लिखना है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4, सो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 ये है -8 माइनस ये वाला माइनस, फिर ये एक माइनस किसका a2 का, ये बन के बन जाएगा +4 इज इक्वल टू -4, सो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना है, a4 इज द -12, फिर ये एक माइनस, ओके, फिर a3 के साथ यहाँ पे एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस +8 इज इक्वल टू -4, सेम आ रहे, सो कॉमन डिफरेंस दैट इज द डी इज इक्वल टू -4, सो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सो देयरफॉर इट इज एन एपी, ये सेम आ रहे एपी हो गया। नेक्स्ट हमको पता करना है ए फाइव इज इक्वल टू a4 प्लस डी। अब a4 क्या है, a1 a2 a3 a4 a4 इज -12 एंड डी इज -4, तो डी के साथ -4 है ये, इसका एक माइनस और ये प्लस क्या हो जाता, माइनस बन जाता 4, दैट इज इक्वल टू -16, सो a5 इज द -16। नाउ a6 इज इक्वल टू a5 प्लस डी, सो a5 कितना है, -16 है, -4 दैट इज इक्वल टू -20, a6 हो गया। नाउ a7 इज इक्वल टू a6 प्लस डी, a7 इज इक्वल टू a6 प्लस डी, a6 कितना है, a6 इज हियर -20, -20 प्लस डी, डी इज द -4, तो ये माइनस बन जाता -4 दैट इज इक्वल टू -24 a7, ये आएगा a7, a5 a6 एंड a7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, सारे टर्म सेम है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो आगे भी -1/2 ही आते, पर हमको यहां पे सॉल्व करना है, सो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। सो फर्स्ट क्या होगा, a2 - a1 इज इक्वल टू, a2 क्या है -1/2, ये एक माइनस
और ये वाला एक माइनस वन बाई टू। इसको ओपन करते समय माइनस वन बाय टू माइनस इंटू माइनस प्लस वन बाई टू बोथ आर कैंसल दैट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू माइनस वन बाय टू माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो। कैसे होता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू डायरेक्ट यही ले लिया इज इक्वल टू जीरो। आया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू जीरो सेम आ रहा है यहां पे। सो नाउ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी हो जाता। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट टर्म्स पता करना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स पता करना है। यहां पे फोर टर्म्स है तो हम ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन पता करना है। सो ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी। ए फोर कितना है हमारा सेम है सारों का। सो वन बाय टू माइनस वन बाय टू ए फोर इज द माइनस माइनस वन बाय टू प्लस डी कितना आ रहा डी जीरो आ रहा जीरो लिख देंगे दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। डायरेक्ट नहीं लिखना है यहां पे हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके नेक्स्ट ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी दैट इज माइनस वन बाय टू प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू दिस इज द ए सिक्स। सेम ए सेवन ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी ए सिक्स इज माइनस वन बाय टू प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू दिस इज द ए सेवन। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन सेम और एक बार लिखेंगे हम वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन सो ऑन। ओके सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए थ्री ये है नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स देन ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू सो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। अब सेम नहीं आ रहे सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन ए पी। सक्सेसिव किसको बोलते अगले वाले टर्म्स इसका सक्सेसिव टर्म्स थ्री का सक्सेसिव टर्म्स नाइन है नाइन का सक्सेसिव टर्म्स ट्वेंटी सेवन है तो अगले वाले नंबर को सक्सेसिव टर्म्स बोलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन ए टू ए थ्री ए फोर ए सो ऑन। सो ए टू माइनस ए वन ए टू क्या है टू ए माइनस माइनस ए कितना हो जाता वन ए। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू दैट इज द थ्री ए माइनस टू ए इज इक्वल टू वन ए। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री ए फोर माइनस ए थ्री फोर ए माइनस थ्री ए इज इक्वल टू ए। सो क्या आएगा यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा कॉमन डिफरेंस आएगा यहां पे d इज इक्वल टू ए। नाउ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम आ रहे देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये एपी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट फोर टर्म्स पता करना है, यानी ए फाइव हमको पता करना है। सो ए फोर प्लस डी, सो ए फोर कितना है, वन टू थ्री फोर, दैट इज द फोर ए, फोर ए प्लस ए इज इक्वल टू फाइव ए, सो ये आ जाएगा ए फाइव। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। नेक्स्ट ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, ए फाइव कितना है, फाइव ए है, फाइव ए प्लस डी, डी इज द ए, डी इज द ए, दैट इज इक्वल टू सिक्स ए, ये होगा ए सिक्स। नाउ ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स इज द, ए सिक्स इज सिक्स ए प्लस ए इज इक्वल टू सेवन ए, ये होगा ए सेवन, ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, और एक बार लिखता हूं मैं, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए क्यूब ए टू द पावर ऑफ फोर सो ऑन। सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ए टू माइनस ए वन, सो ए स्क्वायर माइनस ए। अब ये सब्ट्रैक्ट होता नहीं होता, बिकॉज बोथ आर द अनलाइक टर्म्स, इसका पावर टू है, इसका पावर कुछ नहीं है, तो वन होता, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बस इतना ही लिख के स्टॉप करना है। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ थ्री माइनस ए स्क्वायर, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ फोर माइनस ए टू द पावर ऑफ थ्री, अब सारे डिफरेंट आ रहे, सो क्या हो जाएगा, देयर फोर डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, देयर फोर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, रूट टू कॉमा रूट एट कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 सो ऑन। ओके ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, रूट एट माइनस रूट एट माइनस रूट टू, सो इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, रूट एट को क्या कर सकते हैं, अंदर रूट में ही 4 इंटू टू कर सकते हैं, माइनस रूट टू। वाई 4 इज द स्क्वायर नंबर, अब इसको बाहर लाए तो क्या होता, 4 बाहर आके क्या हो जाता, टू रूट टू माइनस रूट टू, टू रूट टू माइनस वन रूट टू, एक्चुअली द वन रूट टू, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो 1 होता, सो इट मीन्स वॉट, अगर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आएगा, रूट टू आएगा, सो फर्स्ट इसका डिफरेंस रूट टू आया। नेक्स्ट रूट थ्री ए थ्री माइनस ए टू दैट इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, रूट 18 माइनस रूट 8, और सिंप्लीफाई कर सकते, 18 को हम क्या कर सकते, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू, 4 टू ज 8, 9 टू ज 18, अब ये 9 बाहर आके 3 होता बिकॉज 9 इज द स्क्वायर नंबर, ये अंदर का अंदर ही रहता, माइनस टू रूट टू, अब ये माइनस किए, थ्री रूट टू में से टू रूट टू माइनस किए तो वन रूट टू बच जाता, ये आ गया। अब ये है नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, ए फोर क्या है, 32 अंडर रूट ऑफ 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 18, सो दैट इज इक्वल टू, 32 को और सिंप्लीफाई कर सकते हम, 16 इंटू टू, 16 टू 32 माइनस 9 इंटू टू, 16 4 का स्क्वायर है, बाहर आके क्या होता, 4 रूट टू माइनस 9 बाहर आके क्या होता, 3 रूट टू, अब इसको माइनस किए तो फाइनली क्या होता, रूट टू ही बचता, 3 रूट 4 रूट टू माइनस 3 रूट टू, दैट इज द 1 रूट टू, सो डिफरेंस क्या रहा, रूट टू रूट टू रूट टू, सो देयरफोर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस इज डी, अगर इक्वल आए तो दैट इज टू,
सो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी होता। अब हमको क्या करना है, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। सो A4 कितना है हमारा, A4 इज रूट 32 प्लस D इज रूट 2। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे, ये अभी मैंने किया था। 32 को हम कैसे लिख सकते, 16 इंटू 2 प्लस रूट 2। 16 बाहर आके क्या होता, 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2। दिस 1 रूट 2 क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाता, 5 रूट 2। अब 5 को अंदर लेके आएंगे, ये क्या हो जाता, 5 अंदर आके 25 हो जाता, 5 का स्क्वायर हो जाता। सो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू √50। क्योंकि ये सारे टर्म्स क्या है, रूट के अंदर ही है सारे नंबर, इसलिए हम जो है यहाँ पे भी रूट के अंदर ही लाए। सो ये हो गया A5। नेक्स्ट A5 प्लस डी। A5 कितना है हमारा, √50 है, प्लस डी इज √2। और सिंप्लीफाई करेंगे, 50 मीन्स अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2 प्लस रूट 2। 25 बाहर आके क्या होता, बाहर आके 25 का 5 होता, सो दैट इज 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2। एक्चुअली दिस इज द 1 रूट 2, ये हो जाएगा 6 रूट 2। 6 को अंदर लाएंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता, 36 इंटू 2, सो नाउ इट इज 72 अंडर रूट ऑफ 72। दिस इज द A6। और एक चाहिए हमको A7, यहां पे करवाता हूं ना। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी। A6 यहां पे आया, अंडर रूट ऑफ 72 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। 72 को स्प्लिट करेंगे, दैट इज 36 इंटू 2 प्लस रूट 2। 36 मीन्स बाहर आके क्या होता, बाहर आके होता 6, 36 बाहर आके 6 होता, इंटू 2 प्लस रूट 2, सो दैट इज, आगे लिखता हूं मैं 2, 6 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, दैट इज द 7 रूट 2। फिर ये 7 को अंदर लाएंगे, 7 अंदर आके क्या होता, 7 7 49 होता, 49 इंटू 2, सो 49 इंटू 2 मीन्स 49 का डबल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 98। सो दिस इज द A7। ओके, A5, A6 एंड A7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। √3, √6, √9 एंड √12। फर्स्ट डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3। A2 माइनस A1, माइनस नहीं होता, ये स्टॉप कर देना। A3 माइनस A2, सो A3 ये होगा, माइनस A2 ये होगा, सो √9 माइनस √6, माइनस नहीं होता। एक स्टेप ले सकते हैं, √9 मीन्स 3 हो जाता, बाहर लेके 3 होता, 3 माइनस √6, अब इससे आगे नहीं आएगा, स्टॉप। नेक्स्ट A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये क्या हो जाएगा, √12 माइनस √9। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो भी नहीं आता, ये क्या होता, √12 माइनस 9 का 3 हो जाएगा। सो टर्म्स क्या आ रहे, डिफरेंट आ रहे ना। द फर्स्ट वन इज √6 माइनस 3 माइनस √3, 3 माइनस √6, √12 माइनस 3, सारे डिफरेंट आ रहे। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर
नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, सो वन, सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, कितना होगा, थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन माइनस वन स्क्वायर मीन्स वन, दैट इज इक्वल टू एट, इसका डिफरेंस एट आ रहा। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू, ए थ्री क्या है, ये है फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइव स्क्वायर कितना होता, फाइव स्क्वायर इज 25 माइनस नाइन, सो दैट इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस किए कितना आता, 16 आता, 8 एक आ रहा 16 एक आ रहा। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, ए फोर क्या है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होता, 7 स्क्वायर इज द 49 माइनस 25, सो दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2, सो ये आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस तो डिफरेंट आ रहा, एक में 8 आ रहा, 16 आ रहा एंड 24 आ रहा। लास्टली एक सेंटेंस लिखना है हमको, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होता, सेम आए तभी एपी होता। क्वेश्चन नंबर 15, वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, उसके बाद 73 है यहां पे, ओके यहां से इंटीजर आ रहे, सो वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73, सो ऑन। नाउ ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर क्या होता 25 माइनस वन स्क्वायर इज वन, दैट इज इक्वल टू 24, 25 में से वन माइनस किए तो 24 हो गया। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू, सो ए थ्री ये है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए थ्री माइनस ए टू, सो दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, फिर ये 24 ही आता माइनस किए तो। नेक्स्ट ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, ए फोर कितना है हमारा 73 है, 73 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, सो कितना आएगा यहाँ पे 13 होगा, 13 माइनस 9 मीन्स 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इज 2, 24 ही आ रहा, सो कॉमन डिफरेंस सारे सेम आ रहे ना, सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज 24, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव, अगला वाला टर्म सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, सारे सारों का डिफरेंस, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, अगले वाले नंबर का डिफरेंस, फिर अगले वाले नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा, सेम आ रहा, सो इट इज एन एपी, डिफरेंट आए तो एपी नहीं होता। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स पता करना है, सो ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी, ए फोर क्या है 73 है, 73 प्लस डी कितना है हमारा, डी 24 है, सो ऐड कर लेंगे 24, सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज 7, 2 प्लस 7 इज 9, 97, सो ए फाइव आ गया, सो दिस इज द ए फाइव। नेक्स्ट ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, सो ए फाइव कितना है 97 है, ए फाइव इज द 97,
सो 97 प्लस डी इज 24, सो दैट इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 7 प्लस 4 इज 11, वन कैरी दैट इज ये होगा 12, सो 121, दिस इज द ए सिक्स. नाउ ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी. ए सेवन, ए सिक्स कितना है, ये है 121, 121 प्लस डी, डी कितना है, डी यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा ना, कॉमन डिफरेंस डी है, यहाँ लिखा मैं डी इज इक्वल टू 24 बोल के लिखा. सो प्लस 24 इज इक्वल टू 145, दिस इज द ए सेवन. सो इस प्रकार से हमको वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका प्रैक्टिस करना है. ओके 24. सो जो कोई भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए.